रोड पे पानी बिल्कुल साथ साथ में, तो गाइस पत्थर ही पत्थर। अगर मेरी बाइक रुकी तो समझो ठुकी। पहली बार तक क्रॉसिंग आ गई है। ओ माय गॉड, हे भगवान। ओ ठीक है ठीक है जी। ये तो बाइक पे मेरे फॉग आ चुका है, बिल्कुल रुकना पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। देखो गाइस, जस्ट फील द वाइब्स ऑफ बारालाचा पास। और अब हम जा रहे हैं सरचू। मैं तो घुस गया भाई नाले में। तो ये है लद्दाख की बाउंड्री और हिमाचल की बाउंड्री। तो हिमाचल की बाउंड्री यहाँ पे होती है ख़त्म, तो यहाँ से होती है अब लद्दाख सीरीज शुरू। तो फाइनली मैगी खाने के बाद और एक घंटा ब्रेक लेने के बाद फाइनली हम निकल रहे हैं बारालाचा से आगे। अगला स्टॉप लेंगे सरचू के पास, जो है 25 या 30 किलोमीटर दूर। तो करते हैं अपनी राइड की शुरुआत एक बार फिर से। और सुबह से अभी तक हमने राइड नहीं की थी बाइक पे, बट अभी बाइक पे हम रुक चुके हैं तैयार। ये अपने RR 310, ये अपने NS 200। अभी थोड़ी ठंडी है यहाँ पे, तो बाइक स्टार्ट गर्म करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, बट चलो चलते हैं, करते हैं शुरुआत इस राइड की। जय हो महादेव। तो कर दिया हमने अपनी राइड की शुरुआत एक बार फिर से। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा ब्लैक आइस ना हो रोड पे। अभी तो खैर सुबह से गाड़ियाँ चली ही हैं यहाँ पे, तो बस धूप भी देखो ना गाइस, अभी आज मौसम भी अच्छा है, बिल्कुल साफ मौसम है। ओ मैं तो घुस गया भाई नाले में। वो 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 एक बज चुका है। तो आज हमने सोचा है कि हम रुकेंगे पांग में जाके, वहीं आज स्टे करेंगे। पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई है। ओ माय गॉड, हे भगवान। ओ फाइनली पहली वाटर क्रॉसिंग, बाइक परफॉर्मेंस परफेक्ट। और ये देखो गाइस, जस्ट फील द वाइब्स ऑफ बारालाचा पास। और अब हम जा रहे हैं सरचू, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। और गाइस चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ओफ ओफ ओ, बॉबी अपनी बाइक पे टायर हगर लगाना भूल चुका है, तो उसकी बाइक पे जो अभी भाई साहब पानी पीछे से उसके बैग वैग सब आज भीग जाने वाले हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है रोड पे और वो टायर हगर लगाना भूल चुका है वो। ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग डन। एक तो मेरी गॉगल्स ही टूट गई थी कैंपिंग करते हुए, तो मैं बिना गॉगल्स के अभी चला रहा हूँ। तो बर्फ़ ना ये बिल्कुल साइन मार रही है आँखों में, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है बर्फ़ की तरफ बार बार देखना, स्नो की तरफ देखना। बट मैंने वाइजर लगा दिया अभी अपनी हेलमेट का, तो अभी कम्फर्ट है। ओहो हो गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं सीनरी पे चल रहा हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम कि हाँ साइड में आपकी बर्फ़ है बिल्कुल रोड के आसपास पहाड़ों पे, और आप चल रहे हो इस स्मूथ से बे में। इट्स लाइक अ पिक्चर सीख। ये ड्रीम जैसा लग रहा है कि एक ड्रीम है, हम बस सपनों में दौड़ रहे हैं। सामने देखो ना पहाड़ के कितनी बड़ी बड़ी, मतलब ये बर्फ़ के ही पहाड़ हैं। और इस बार तो मौसम इतना ख़राब था कि अभी मई एंड तक इतनी यहाँ पर स्नो है। और ये पत्थर भी आ चुके हैं कहीं से ऊपर से, पहाड़ों से पत्थर भी गिरते रहते हैं। अगर आप कभी ऐसी राइड करो तो थोड़ा संभल कर करना, क्योंकि पत्थर कभी भी इन पहाड़ों से गिर सकते हैं। तो एक और छोटा सा वाटर का पैच करते हैं क्रॉस, इसको भी लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। एक तो मेरे शूज़ भी ये कमज़ोर हैं बिल्कुल, ये पत्थरीला। ओ ओ ओ ओ हो, हाँ बिल्कुल सेफ। वेलकम यू टू कैलिंग सराय। तो अभी नए ब्रिज का काम यहाँ पे चला हुआ है, ये हमें पुराने ब्रिज से होके ही जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी धूप ज़्यादा है, तो ये बर्फ़ का पानी पिघल के सीधा रोड पे आ गया है इस टाइम।
कोई नहीं, आगे ट्रक्स भी चले हैं आजकल, एक तो रोड इन ट्रक्स के लिए ज़्यादा अलाउड किया है, तो ये सामान कैरी करके लद्दाख ले जा रहे हैं, तो दिन रात ट्रक ही ट्रक मिलेंगे आपको अभी यहाँ पे। हो तो गाइस रोड पे पानी बिल्कुल साथ साथ में, ये तो बाइजर पे मेरे फॉग आ चुका है, बिल्कुल रुकना पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। वो भाई साहब ट्रक वाले तो बिल्कुल शॉर्टकट मार मार के आते हुए, ओ अभी जाके ये पानी ख़त्म हुआ यार फाइनली। ओ ये है ब्रिज भाई साहब, ट्रक से आगे निकलना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही इनको मैंने मौके दे दिए आज। तो गाइज हम बारालच्चा को पीछे छोड़ के अब एक नए टेरेन पे आ गए हैं, ये जो सामने पीछे बड़ा पहाड़ था वो बारालच्चा का था, बट अब ये कुछ हमने क्रॉस किया है तो हम दूसरे पहाड़ पे आ गए हैं। अब लद्दाख तक हमारी जर्नी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी रहेगी, ऐसी जैसी कुछ लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, वो सामने शायद अब सरचू आएगा सामने, और बिल्कुल ही ओपन ओपन बिल्कुल दूर दूर तक सिर्फ रोड और दिखाई दे रही है हमें, इतनी ओपन ओपन सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल खुले पहाड़ खुली पहाड़ियाँ और ये सब सामने कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उन पर बर्फ़ हल्की हल्की। अब यहाँ पे थोड़ा स्नो कम हुआ है क्योंकि ये थोड़ा डाउन में आता है, थोड़ा डाउन में है ये सरचू, तो यहाँ पे स्नो थोड़ा कम था, बाकी पासिस में आपको वैसे ही स्नो मिलेगी जैसी बारालच्चा में थी। वाह क्या प्यारा रोड आया है एकदम का, मतलब कितना बिंदास बिल्कुल परफेक्ट रोड है, आप कभी आउट अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, बाइक कभी अप कभी डाउन, बिल्कुल ही परफेक्ट जो बाइक राइड है हो रही है यहाँ पे, और सामने तक बिल्कुल रोड ही रोड दिखाई दे रहा है हमें, दूर दूर तक सिर्फ रोड ही रोड है और कुछ नहीं, और ये बिल्कुल अलग सी वाइब यहाँ पे, अलग सी वाइब, एक भी पहाड़ एक सिंगल यहाँ पे पेड़ मेरे को दिख नहीं रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट टेरेन हो चुका है इस टाइम में। अभी बिल्कुल लेह तक बिल्कुल ऐसे ही हमें पहाड़ मिलेंगे, बिल्कुल सेम सेम वाइब्स के, बट उनके वाइब्स अलग अलग होंगी, अलग अलग टाइप के होंगे वो सब, तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, भाई साहब अलग ही मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलने का, और बिल्कुल हल्की 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 घास यहाँ पे साइड में, मतलब पहली हमें बारालच्चा के पास, यहाँ पे शायद आप कैंपिंग कर सकते हो, और कैंप सरचू है ये, तो बारालच्चा जैसे आप क्रॉस करोगे उसके भी 15 या 20 किलोमीटर के बाद पहली कैंपिंग साइट यहाँ पे आ चुकी है, अलग अलग कैंपिंग साइट, और अब यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है उतनी कैंपिंग साइट ज़्यादा खुल रही हैं, तो आपको यहाँ पे अब अलग अलग जगह कैंपिंग साइट्स मिलती रहेंगी, और ये साइड में कुछ मेरे को हेलीपैड वगैरह है, हाँ शायद ये हेलीपैड है सरचू का हेलीपैड ये रहा, और ट्रक्स में भाई सामान भर भर के आ रहा है, लग रहा है यहाँ पे कैंपिंग कुछ साइट्स खोलने वाली हैं, और खाने पीने का सामान, तो लद्दाख इज़ अ वाइब यार, जस्ट लुक एट दिस, बिल्कुल क्या कलाकृति बनी हुई है सामने, जो हम रील्स में देखते थे जो ड्रोन शॉट जैसा, तो ये सामने वो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल ही अल्टीमेट सी, यहाँ पे बारिश के बाद जो बिल्कुल हल्का 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 एक डिज़ाइन सा हो चुका है ये सामने जो दिख रहा होगा गोप्रो में, वो तो गोप्रो में शायद ना दिखे, तो एक और कैंपिंग साइट, ये बोर्ड लगा है यहाँ पे पांग रह चुका है, यहाँ से ले यहाँ से 252 और पांग है 88 और थैंक्स विजिट अगेन कुछ ऐसा बोर्ड लगा है, बट आई डोंट नो कौन सा प्लेस था ये, सरचू ही था शायद, हाँ यहाँ पे शायद हमें कुछ चेक करवाना पड़ेगा, चेक पट लाहौल स्पीति पुलिस वेलकम्स फॉर सॉफ्ट चेकिंग, तो यहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग करेंगे ये उसके बाद फिर, हाँ ठीक है।
दिल्ली यहाँ से 782 किलोमीटर और केलोंग है यहाँ से 107 किलोमीटर, तो मंडी यहाँ से 322 किलोमीटर, मतलब हम लोग 322 किलोमीटर अभी तक कवर कर चुके हैं घर से, 322 नहीं कुछ ज़्यादा ही। तो ये है लद्दाख की बाउंड्री और हिमाचल की बाउंड्री, तो हिमाचल की बाउंड्री यहाँ पे होती है ख़त्म, तो यहाँ से होती है अब लद्दाख सीरीज शुरू, लद्दाख की बाउंड्री। और चलो खुश मिलते हैं आगे, बॉबी ने करवा दी है एंट्री, सुनाने नाउ फाइनली वी आर ऑफिशियली एंटर्ड इन लद्दाख, तो लेट्स गो। लद्दाख में एंटर होते ही बिल्कुल फुल पावर हवा चली है यहाँ पे, तो लद्दाख यहाँ से हम ऑफिशियली इस टाइम लद्दाख में हैं, लद्दाख के रीजन में हैं। तो चलो, सोचा तो झांगसर की साइड से था, बट यहाँ से भी कवर करेंगे, वही सर्किट पूरा करेंगे, बट यहाँ से ओ माय गॉड थोड़ा सा ऑफ एच। ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पत्थरों में चलने की, ओह तो गाइस पत्थर ही पत्थर, अगर मेरी बाइक रुकी तो समझो ठुकी। नाइस, लद्दाख में एंट्री होते ही बिल्कुल ऑफ रोड की है। उपसी 203 किलोमीटर, तसोकर रिक्स 141, यहाँ पे भी शायद हमें एंट्री करवानी पड़ेगी, ये भी एक चेक पोस्ट है। तो ये साइड बोर्ड रहे थे लगाने के लिए, तो हाँ जी सर, अमन अमन एच पी। हाँ तो मनाली है यहाँ से 177, 12 लच्चा, हम 33 किलोमीटर सभी हमने तय किया है अपनी बाइक पे, और अब चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो लद्दाख की एंट्री में हमें इतना प्यार मिल चुका है। जरूर जरूर आएंगे, बाय बाय। तो गाइस लंच करने के बाद फाइनली हम निकल रहे हैं वागी को, ये था सरचू, तो अब चलते हैं आगे पांग जहाँ पे हम स्टे करेंगे। 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर अवे है अभी यहाँ से, तो दिखाते हैं वाको, मिलते हैं आगे।